बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और कैटल फार्म पे मौजूद हैं, उनके ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये काम करते उन्हें कितना अच्छा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है सर? अल्लाह की रहमत। सर, सब तो पहले थे अपना नाम और अपने फार्म की लोकेशन दस दो। अब्दुल अमीर, ठीक हो गया? ठीक हो गया। हाँ, मौदा करियाला, ठीक हो गया। मुल्तान, ठीक हो गया। अच्छा, सारा काम कर दे, टोटल कितना अर्सा हो गया? 13 चालू हो गया। अच्छा, 13 चालू जी, ठीक हो गया। अच्छा सर, हूँ यह दसो कि अपने को जड़िया गाय है, केड़े नस्ल दी गई है? साढ़े को सेक्स दिया गाय ने, ठीक है, जड़िया ब्रीड जड़िया अपनी गाय के टीके कराने सेक्स दे, साढ़े को ग्रास गाय ने, फ्रीजन आस्ट्रेलिया वाली जड़िया गावा ने, उन्होंने जेड़ा नसीमन कराने सेक्स दे, असा ज्यादा तरजीह सेक्स देने का है। अच्छा, अगे असा भुले रहे हैं, सानू सेक्स तो नहीं सी लिया, सानू दूध च कम पेजी थी, ठीक है, हुण असा दूध वधाउणा चाहुंदे आ, ठीक है, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए ने, ओदे लिहाज नाल असा सेक्स गां तो बगैर होर गां कोई नहीं रखनी। ठीक हो गया। ते सेक्स तो मुराद की है? सेक्स दा मुराद ए आ वी एक दूध ज्यादा अच्छा देंदियां ने, टाइम ज्यादा लै जांदियां ने, ठीक है, जिहड़ी दूसरी गां है ओह आसे हुंदी जावे साडा दूध फुटण लग पैंदा। छे महीने अच्छा, यानी कि टोटल 6 महीने दी तुसी परचेज कीती, 6 महीने तुसी अपने कोल रखे ना? इंशाल्लाह। ते 1 साल च तैयार हो गई? इंशाल्लाह। माशाल्लाह, जबरदस्त। ते सर, जदों तुसी इहनू 6 महीने दा परचेज कीता सी, उस टाइम एक गाय किन्ने दी तुहानू मिली सी? ए सानू 2 लाख दी बछड़ी मिली सी। एक, ठीक हो गया। असां पहलों 48 लाख दी 24 विच 48 लाख दी सरगोदे च लिया सी। ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा सर, हुण ए दसो के ए तुसी मतलब ए जदों तैयार करोगे जी, ते पहले सूए ते मैक्सिमम दूध किन्ना तुहाडे आईडिया? तकरीबन दूध जेहड़े पहले सूए तकरीबन 30 लीटर देणगे। जबरदस्त, माशाल्लाह। ते सर, एनवायरमेंट अगर देखा जाए, जेहड़ियां क्रॉस गाय है, हां जी, उहनां दे हिसाब नाल गर्मी दी बर्दाश्त करन दी इन्ना कू इहनां दी इह आ वी सानूं जदों इहनां दूध देणियां ने सानूं इहनां दे वसायल बणाउणे पैणे ने। ठीक हो गया। शावर लावांगे, ठीक हो गया, एवें समझ इहदे नाल खुराक, जिहने खुराक ज्यादा करनी उहने दूध वी ज्यादा देणा। ठीक हो गया। यानी कि तुसीं इहनां नूं टैंपरेचर जेहड़ा पूरा मैनेज म्यार दा देवांगे? ठीक है, यानी कि पानी दे शावर वगैरह जी 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 वो लगाओगे जिस टाइम मैं दूध मिल्क ते आ जाएगी? ओ तो लगाउणे ने, ओ तो लगा, क्यों उहना वंडा ज्यादा खाना, जी जी, दूध ज्यादा देना, इहना च गर्मी ज्यादा होना। ठीक हो गया। अच्छा सर, हुण इह दसो कि कोई भाई ने अगर किसी ने स्टार्टिंग विच ए काम स्टार्ट करना है, जी, तुसी उहनां नूं की मशवरा दिंदे हो? तैयार गायें लवण या वच्छी लवण? असल ते उह गल इह आ वी उह अपणियां गायें लैण, ठीक, उहनां ते सीमन कराउण। ठीक है। जिहदी हुण 4 to 8 लाख दी गां है उह वच्छी छेती नहीं देंदा। ठीक हो गया, जबरदस्त। यानी कि तुहाडे कहण दा मकसद है कि तैयार गाय मिल्क वाली लैवां? हां, उह मिल्क वाली लै के अपने टीके अच्छे रखाऊं। अच्छा, उहदे विच सैक्सीमन रखाऊं? हां, सैक्स रखाऊं। ठीक हो गया। अच्छा, हुण इह दसो सर, इहनां नूं खाण लई जिहड़ियां ना बेहतर चीज़ उह दसो, पूरा जिहड़ा इहनां दिन पूरा इवें समझ, इहनां नूं सैलेज जिहड़ा ना असल गदा जिहदा सैलेज काम करदा ते उह कामयाब है, जे सैलेज नहीं ते उह बेकार आ। तकरीबन जिहड़ा ना इह हुण इवें समझ जिहड़ी आ वड्डी गां है उह मण सैलेज खांदी आ, दो टाइम ठीक है, दूसरा उहनूं वंडा वी नाल मिलदा। ठीक हो गया। इह वच्छियां जिहड़ियां हुण इह पूरियां हो गईआं ने, हुण इहनां नूं म्यार जिवें इक बंदा घिओ खांदा ओहदे मुताबिक हुण इहनां वंडा जिहड़ा ना सैलेज बहुत घट खाना, जदों असां बाहरों जानवर लिआउने उह कमजोर हुंदा उह सैलेज ज्यादा खांदा। ठीक हो गया। अच्छा सर, हुण इह दस्सो ना कि बई इक गाय आ जिहड़ी तुहानूं 25 to 30 लीटर दुध दे रही है सैक्सीमन, जी जी जी, ठीक है, उह पर डे तुहाडा खर्चा किन्ना करवा रही है? खर्चा तकरीबन सानूं 2000 दिहाड़ी दा बचत है। 2000 खर्चा हुंदा? हां, ते उत्तों जिहड़ा इवें समझना दुध हुण साडा दुध जांदा 150। ठीक हो गया। अच्छा सर, हुण इह दसो के स्टार्टिंग विच अगर कोई भाई नया काम स्टार्ट करदा है
दो गायां नाल काम स्टार्ट करे तो उन्होंने केड़ी केड़ी चीज दी दा भाई जान पहलो जड़ियां दो गावां या चार रखो एक एकड़ दा साइलेज बनावे जबरदस्त जदों एक एकड़ दा साइलेज बना लिया ओदी दो गावां गबड़ा हो गईयां ओदी चार बन जाणियां ने ठीक हो गया फिर उन्हें दो बच्चियां नूं दिओ फिर जदों बच्चियां चंगीआं आईआं ओदा आपे दिल करू भी अगां मैं होर कारोबार करां ठीक हो गया स्टार्टिंग चलदे जे थड्डो पैसा फिर इन्हां बंदे कोल बाहर दा पैसा होवे फिर ते लाई जावे ते सुट्टी जावे ते जिहने जट बंदे ने कमा के पैसा इकट्ठा करना उहनूं टाइम लगदा बिलकुल जबरदस्त यानी कि तुहाडे कहण दा मकसद है दो गाईआं जिन्हें रखनी है पहले एक एकड़ दा सैलेज अपने को स्टोर करें बस ते सैलेज ते ओह कामयाब आ जे दो ने ते उहनां वास्ते सैलेज जरूरी है जे 20 ने ते उहनां वास्ते भी जरूरी है ठीक हो गया जे सैलेज ना होया ते ओह बंदा बेकार आ अच्छा सर हुण ऐ दसो कि सैलेज एक मन अज दा जेड़ा रेट है ओह की है ओह अज दा रेट जेड़ा सानू पैण दे असां बनवाउने आ सानू ओदो पैंदा 400 रुपया मन खुद बनवाना हां ओह सानू तकरीबन 300 400 तैयार हो जांदा जे मोल लवांगे ते फिर 800 रुपया पाऊ डबल हो जाएगा डबल हो जाए ते सानू ओह बनाउण च फायदा बनाउण च फायदा ठीक हो गया बे 4 लाख 5 लाख खर्चा 10 लाख ही कर लांगे अपने खेत ते ओह सैलेज बन के इकट्ठा रखी जो सानू ओह कोई मालूम ही ना करो ठीक हो गया अच्छा सर हुण ऐ दसो कि एक अच्छी नस्ल दी जिहड़ी गाय हुंदा अज दा रेट की है अज दा रेट ओ तकरीबन 8 लाख अच्छा हां सैक्स दा 8 लाख सैक्स दा ओ दूध किन्ना देगी तकरीबन ओ 40 लीटर भी दे सकती है अच्छा माशाल्लाह सर हुण स्टार्टिंग च अगर कोई भाई अगर सेम ए रखवांदा हैगा सेक्सी मन वाली जी जी तो उहनां कोल ते ए माहौल नहीं होएगा ना शावर वाला या इस तरह दा माहौल जिहड़ी गां क्रॉस लैणी है ना ओ बर्दाश्त कर जो ਕਰਾਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਚ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਵਰ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਕਰਾਸ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਧ ਉਹਨੇ 15 16 ਸਿਰ 18 ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਦੋਨੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਚਾਈ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚਾ ਜੇ ਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਏ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ 8 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸੀ ਮਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਟੂ ਆਲ ਸੈਕਸੀ ਗਾ ਸੈਕਸ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਹ ਜੇ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਉਹਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਆਵੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਤ ਆਈ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਾਈਏ ਪਛਾਣ ਆਈ ਆ ਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जी तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़